डियर स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास फर्स्ट एएमयू एंट्रेंस के बच्चों के लिए 2011-12 का सवाल लेकर हाजिर हुआ हूं। आइए सवाल देखते हैं। देखिए पहला सवाल, वन हु स्टिचेस आवर क्लॉथ्स इज कॉल्ड, कौन कपड़े सीता है? टेलर। वन हु एग्जामिन्स पेशेंट इज कॉल्ड, कौन मरीज को जांच करता है? डॉक्टर। लायन लिव्स इन, कहाँ रहते हैं? डेन में। मुस्लिम्स ऑफर प्रेयर इन अ, कहाँ नमाज पढ़ते हैं? मॉस्क में। जन गण मन अधिना इज आवर नेशनल सॉन्ग, नेम ऑफ दिस सिटी इज, यानी आप अलीगढ़ ही मानिए अलीगढ़। ये तो छह जीके के सवाल थे, अब आइए देखते हैं इंग्लिश के सवाल। ये है इंग्लिश के सवाल, राइट करेक्ट वर्ड फ्रॉम दीज अल्फाबेट्स। जाहिर सी बात है कि ये इसको रीअरेंज करना है, ये सही अल्फाबेट में नहीं है, ये हो जाएगा टेबल, टी ए बी एल ई, टेबल। राइट द नेम ऑफ टू फ्लावर्स के, यहाँ पे आपको नाम लिखने हैं, कोई भी फ्लावर लिख दीजिए, रोज लिख दीजिए, यहाँ पे आप जैस्मीन लिख दीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं, दो फ्लावर हो गए, आर ओ एस ई रोज और जैस्मीन, जे एस एम आई एन ई। इसके आखिर में आपको आंसर भी दिए हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, विच डे आफ्टर ट्यूजडे के बाद क्या आता है? ट्यूजडे के बाद वेडनेसडे। अब देखिए, हाउ मैनी डेज आर देयर इन दिसंबर, राइट इन वर्ड्स में इसे आपको लिखना है, यहाँ पे आर छूट गया है इसे, क्योंकि ये सही नहीं हो पाएगा, पीडीएफ में है, आप इसे सही कर लीजिएगा। तो ये दिसंबर में कितने दिन होते हैं? 31। इसे वर्ड्स में लिखना है टी एच आई आर टी वाई, 31। नेक्स्ट देखिए, राइट द नेम ऑफ एनी टू मंथ्स, दो महीनों के, कोई दो महीने के नाम लिख दीजिए, मार्च अप्रैल या जनवरी फरवरी, कोई भी दो। अब आइए देखते हैं, राइट अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, इसका उल्टा लिखना है, गुड का बैड और डे का नाइट। अब देखिए, यहाँ से मैथमेटिक्स के सवाल शुरू हो गए। राइट द नेक्स्ट थ्री नंबर्स कम्स आफ्टर, इसके बाद तीन नंबर कौन कौन से आएंगे, यानी आपको गिनती है ये 78 के बाद 79, 80, 81, 88 के बाद 89, 90, 91, 65, 66, 67, 68, 12 के बाद 13, 14, 15। अब सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यहाँ पे देखिए प्लस का निशान है, यानी इसे जोड़ना है, 5, 3 = 8, 3, 4 = 7। अब यहाँ पे जोड़िए, 7 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 15, और एक आपके पास बचा, और फिर यहाँ पे जोड़िएगा, उसमें एक लगा और जोड़ देंगे, 7, 5, 12 और 1, 13। आपके आंसर यहाँ पे लास्ट में सबके मिल जाएंगे। आगे देखिए, यहाँ पे आपको ये घटाना है, घटाव का निशान भी है यहाँ पे, देखिए 5 में से 3 गया 2, और यहाँ 8 में से 4 गया 4। अब यहाँ पे देखिए, 71 में से 39 को आपको इसको माइनस करना है, तो 1 में से नहीं घटेगा, 1 इधर से आप लेंगे, 11 में से 9 गया 2, और यहाँ बचा 6, 6 में से 3 गया 3। अब ये देखिए, राइट द नंबर डेट कम्स आफ्टर एंड बिफोर, वाट कम्स बिफोर, 90 के पहले क्या आएगा? 89। वाट कम्स आफ्टर 69 के बाद? 70। वाट कम्स बिफोर 71 से पहले क्या आएगा? 69। वाट कम्स आफ्टर 48 के बाद? 49। अब देखिए, सर्किल द लार्जेस्ट नंबर इन ईच सेट, कौन सा इसमें लार्जेस्ट है? तो देखिए 89 लार्जेस्ट है, इसको घेर दीजिए, और यहाँ पे कौन सा लार्जेस्ट है? 76।
यहाँ पे कौन सा लार्जेस्ट है, 89, यहाँ पे 88। अब आगे देखिए, राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स में इसे लिखना है, 78, SEVENTAY, 70, EIGHT, 34, THIRTY, 30, FOUR, 34। अब आइए ये देखिए, पुट वन ऑफ दिस साइंस इन द स्पेस। अब आपको ये देखना होगा कि ये साइन यहाँ पे लगाना है, इधर जोड़ करके देखिए, इधर जोड़ करके देखिए। अब ये ग्रेटर और स्मॉलर देन का ये साइन है, जाहिर सी बात है कि ये बड़ा है, तो यहाँ पे क्या क्या लगेगा, ऐसे ये वाला साइन लगेगा, ये वाला ऐसे, क्योंकि 35/23 है, और नहीं बल्कि आप इसे आप जोड़ कर पहले देख लें कितना हो रहा है। तो आप इसे जोड़ेंगे तो हो जा रहा है आपको, हाँ बल्कि ये बड़ा हो जाएगा, इधर वाला ये बड़ा है, तो ये वाला ऐसे हो जाएगा, क्योंकि 51, 60, 63 हो जाएगा, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 35 और 38, 48 और 58 यहाँ पे हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सा बड़ा होगा, तो ये वाला बड़ा होगा, 56 + 44 जोड़ेंगे तो ये पूरे 90 हो गए, 60 + 100 हो गए, 56 + 44 = 100 हो गए, और ये जो है कि नहीं कम होंगे, 5 और 5 = 8, ये 85 हो जाएंगे। तो यहाँ पे साइन हो जाएगा, ये वाला यहाँ हो जाएगा और ये वाला यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह से आप जोड़ के देख लीजिएगा, बिल्कुल ये सही, ये यही होगा, ये वाला ऐसे इधर हो जाएगा और ये वाला ऐसे हो जाएगा। इस जोड़ के देखना है कि कौन सा बड़ा स्मॉलर, कौन सा ग्रेटर। अब आइए आगे देखते हैं, नीचे दिए गए अल्फाजों के हरूफ अलग अलग कीजिए। अब देखिए यहाँ पे किताब को अलग अलग करके लिखना है, काफ + ते + अलिफ + ते बराबर किताब, कलम काफ + लाम + मीम कलम, हामिद हे प्लस अलिफ प्लस मीम प्लस दाल बराबर हामिद, तोता तोए प्लस वाव प्लस तोए प्लस अलिफ बराबर तोता। अब किसी चार फलों के नाम लिखना है, कोई भी चार फल के आप नाम लिख दीजिए, सेब लिख दीजिए, पपीता लिख दीजिए, अमरूद लिख दीजिए, केला लिख दीजिए, ये चार फल हो गए। किसी दो जानवर के नाम लिखना है, कोई दो जानवर घोड़ा हाथी लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए, नीचे दिए गए हरूफ को मिलाकर लिखिए, पे + ते + नून + गाव बराबर पतंग, ए + ये अलिफ + ए + ये बराबर हाथी। अब यहाँ पे देखिए, एन + लाम + ये + गाफ + रे + हे बराबर अलीगढ़, काफ + अलिफ + पे + ये बराबर कापी। नीचे दिए गए अल्फाज का उर्दू में तर्जमा लिखना है, तो तर्जमा जाहिर सी बात है कि आप माने ही लिखेंगे, एप्पल सेब, काइट पतंग, चेयर कुर्सी, टेबल मेज। नीचे दी गई चीजें किस रंग की होती हैं, यहाँ रंग लिखना है, बर्फ का रंग क्या होता है, सफेद, आसमान का नीला, कौआ का काला, खून का लाल। अब ये देख रहे हैं आप सबके आंसर्स यहाँ पे ये दिए हुए हैं, ये है यहाँ पे ये आंसर्स, ये सबके यहाँ पे दिए हुए हैं। ये बच्चों को आप प्रैक्टिस कराइए, अब टेस्ट में जाहिर सी बात है कि अब तो 4 तारीख को ये टेस्ट है, और आज और कल का दिन बचा है, तो आप इसे सही तरीके से प्रैक्टिस कराइए, और यही जाहिर सी बात है बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है, जितना बच्चे प्रैक्टिस करेंगे उतना उनको याद रहेगा। और कभी कभी ये होता है कि आपने 5-7 साल के सवाल अगर बच्चों को सॉल्व करा दिए हैं, तो 25-30% सवाल इससे भी सेम टू सेम टैली कर जाते हैं, आप खुद देखेंगे कि ये सवाल हर साल कुछ ऐसे सवाल आए हैं जो सेम टू सेम आ गए हैं। उम्मीद है कि ये सवाल आपको अच्छा लगा होगा, तो
आप इसे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें और घर बैठे फ्री में पाएं सभी क्लास की रेगुलर और कॉम्पिटिटिव कोचिंग। थैंक यू वेरी मच।